हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस आज जा रहे हैं हम ट्रिप पे, आज है लॉन्ग वीकेंड हमारा और अभी रुके हैं, अभी निकलने वाले हैं तो अभी जाएंगे राहुल भाई के घर पे और उसके बाद निकलने वाले हैं। हम कहाँ पे जा रहे हैं? नीम करोली बाबा मंदिर और फिर उसके बाद जाएंगे हम रामगढ़। पहुंच चुके हैं गढ़ मुक्तेश्वर और गंगा। सो गाइस अभी आ चुके हैं राहुल भाई के घर पे और अब करेंगे ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं हम पराठे आलू के और चाय। सो गाइस ये था राहुल भाई का घर और अभी ब्रेकफास्ट कर लिया और जा रहे हैं नीम करोली बाबा मंदिर और मेरे हेडेक भी हो रहा था तो मैंने एक हेडेक की दवाई भी ले ली है। ये अपना यहाँ का रॉकऑन कैफे हल्द्वानी का और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। अभी रुके थे कैफे में और उन्होंने ऑर्डर किया है भाई लोगों ने चाउमीन चाय। तो गाइस गाड़ी कर दी है पार्क और अभी जा रहे हैं लेक के पास बैठने हम लोग। ये कौन सा पॉइंट है? तो गाइस उधर जो है पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो अगर आप लोगों को पैराग्लाइडिंग ही करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। और ये देखा गाइस, सो गाइस वहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग हो रही है अगर आपको दिख रहा हो तो, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर बैठने के लिए। फिर काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी भी है, बोटिंग कर सकते हो आप और काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स है। वो है एक्वेरियम वो देखा तो गाइज अभी आ चुके हैं हम भीमताल और यहाँ पे जो है एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे रुके हुए हम लोग। हमें जाना था नीम करोली मंदिर और तो बीच में ही जो है भीमताल पड़ता है तो अभी भीमताल एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे, सिर्फ लेक व्यू जो है देखना है और जो है वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी है वो हम नैनीताल जाके करेंगे। तो आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ इस व्यू पॉइंट से, बोटिंग हो रही है सामने और सामने जो एक कैफे है एक्वेरियम कैफे।
गाइस अभी कैची धाम पहुंचने वाले हैं और लगभग रह गया है हमारा 3.5 किलोमीटर। नीमकरोली बाबा मंदिर आ चुका है, जो है नीचे, जो है नीचे की साइड वो मंदिर ही है अगर आपको दिख रहा हो तो। तो गाइस अभी मंदिर से आ चुके हम लोग और अभी जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस तो गाइस रास्ते में बिरयानी ले ली थी तो अभी केएमबीएन से पहले हमने गाइस अभी इस लोकेशन पे रुके हुए थे और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो है कोहरा ऊपर तक आ चुका है। तो गाइस अपना केएनबीएन आने वाला है। ऊपर चली जाओ गाड़ी सीधा। हां ऊपर चली जाए। ऊपर ले जाओ। मैं सब चल लियो एक सांसे जब तक गाइज गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट सो के उठा थोड़ी देर पहले। गाइज ये था अपना रूम और तो एक बेड ये था और एक नीचे गद्दा डाल दिया था सोने के लिए। को बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये यार ये केएनबीएन की लोकेशन है और बाहर का भी कुछ ऐसे है। ऊपर साले हैं वो और